गुड मॉर्निंग बच्चों, हाउ आर यू? सभी अच्छे होंगे आप, आशा है। लास्ट वीडियो में हमने ए रोड साइड स्टैंड रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो ना डिटेल में डिस्कस की थी, और वहाँ आपने जो ना समरी, थीम, मोस्ट इम्पोर्टेंट टेक्सचुअल क्वेश्चंस, रीडिंग कम्प्रिहेंशन ऑफ स्टैंजास सभी डिस्कस किए थे। अब आज हम आपको MCQs कराएंगे। MCQs मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जैसे आप सभी को मालूम है, खासकर जो स्टेट बोर्ड होते हैं जैसे हरियाणा बोर्ड है, यूपी बोर्ड है, बिहार बोर्ड है, उनके अंदर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पोएट्री के बहुत ज्यादा आते हैं। हरियाणा बोर्ड के अंदर आपको रीडिंग कम्प्रिहेंशन जो स्टैंजास की करनी है, वो सारे के सारे जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के ही रूप में आपको रीडिंग कम्प्रिहेंशन करनी होती है। इसलिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का ये वीडियो गोइंग टू बी द मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो फॉर द पोयम ए रोड साइड स्टैंड। आई एम योर टीचर MS यादव एंड आई विल बी टेकिंग क्लास 12 MCQ क्वेश्चन आंसर इन वन शॉट। ए रोड साइड स्टैंड क्लास 12 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आंसर इन वन शॉट। एज यू आर लुकिंग इन द बैक ऑफ मी, देयर इज इमेज ऑफ पीपल हु पुट देयर स्मॉल स्टॉल ऑन द रोड एंड यू हैव लर्न ऑलमोस्ट एवरीथिंग अबाउट ए रोड साइड स्टैंड पोयम। सो नाउ इट्स टाइम टू चेक यूर knowledge, how much you have understood. So let's dive into the topic and see what is there in our laptop. Roadside stand, as all of you are looking, is a roadside stand class 12 MCQ questions. This is the title of today's video, or this is the title because मैं क्या करता हूं बच्चों, आपको वेबसाइट के अंदर भी अब मैं इस पे वीडियो बना रहा हूं और आपको सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस इसके पोएम के मैं कराऊंगा रोड साइड स्टैंड के, और वो सारे क्वेश्चंस आपको readlearnexcel.com जैसे आपको दिखाई दे रही है ये ऊपर readlearnexcel.com वेबसाइट है, उस पर आपको पढ़ने के लिए, क्योंकि वीडियो आप एक बार देखते हैं लेकिन पढ़ना भी बहुत जरूरी है, और पढ़ने के लिए आप PDF के लिए आप रीडिंग के लिए आप सीधे वेबसाइट पर जाएंगे readlearnexcel.com के ऊपर, और वहां जाके MCQ क्वेश्चंस रोड साइड स्टैंड टाइप करेंगे राइट साइड में, इसमें इस कॉलम में या सर्च बार में जाकर आप ऐसे टाइप कर देंगे और लिख देंगे रोड साइड स्टैंड, तो आपको ये क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ द पोयम ए रोड साइड स्टैंड। नाउ दिस क्वेश्चन, सपोज ये क्वेश्चन आ जाता है, आपने थीम बताना है, सेंट्रल थीम रोड साइड स्टैंड का, तो उसमें अर्बन डेवलपमेंट है एक मान लो, दूसरा है इकोनॉमिक्स डिस्पैरिटी, पॉलिटिकल पावर, रूरल सेलिब्रेशंस, तो इसका उत्तर हो जाएगा इकोनॉमिक डिस्पैरिटी। इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। इन क्वेश्चन को आप जो ना सीधा रीडिंग कम्प्रिहेंशन जो स्टेंजेज होते हैं ना बच्चों, रीडिंग कम्प्रिहेंशन के जो स्टेंजेज होते हैं वो सारे यही होते हैं। लेट अस टेक फर्स्ट क्वेश्चन, सेंट्रल थीम हमने बता दिया, तो आपका जो ना उत्तर क्या हो जाएगा, इकोनॉमिक डिस्पैरिटी। ठीक है, इन द पोएम रोड साइड, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन द पोएम रोड साइड स्टैंड इज डिस्क्राइब्ड एज प्रॉस्परस एंड थ्राइविंग, pathetically plaid, symbol of urban wealth, political influential, तो political pathetically plaid, तो B will be the correct answer. pathetical plaid था वो, क्योंकि इसमें रॉबर्ट फ्रॉस्ट मॉडर्न पोएट है और वो मॉडर्न प्रॉब्लम्स को ये बताता है कि किस प्रकार छोटे छोटे किसान अपने खेतों में छोटी छोटी सब्जियां बोते हैं, कुछ फ्रूट्स बोते हैं, और मार्केट में एक्सपोजर ना होने की बजाय, मंडी दूर होने की बजाय, वो छोटी छोटी दुकानें अपनी रोड पर लगा लेते हैं इस आशा में कि लोग रोड से गुजरेंगे और वहां से कुछ खरीदेंगे, बट इट इज कॉल्ड पैथेटिकली। पैथेटिकली मीन्स ये
बहुत अजीब और गरीब दयनीय हालत है किसानों की कि उनसे कोई नहीं खरीदता। तो ये आंसर हो जाएगा, व्हाट डज द रोड साइड स्टैंड ओनर आस्क फ्रॉम द सिटी पीपल। लोगों से जो शहर में रहते हैं, जो बड़ी बड़ी गाड़ियों में जाते हैं, उनसे क्या पूछता है? उनसे पूछता है, भैया आइए हमारी दुकान पर, आइए हमारे स्टॉल पर आइए, फ्रेश वेजिटेबल्स मिलेंगे, फ्रेश फ्रूट्स मिलेंगे। और वो उनसे ये कहता है कि आप थोड़ा शहर का पैसा, क्योंकि पॉलिटिकली सारा पैसा शहरों में लगाया जाता है, गांव में कोई मार्केट नहीं है, कोई मंडी नहीं है, उनके लिए शॉप नहीं है, कोई मल्टीप्लेक्स नहीं है जहां वो अपनी दुकान लगा सके। तो उनसे वो क्या चाहते हैं? ए डोल ऑफ ब्रेड, कि भी आप थोड़ा बहुत आइए। और इसका उत्तर हो जाएगा बी। और अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द पोयम द ट्रैफिक पासिंग बाय द स्टैंड इज डिस्क्राइब्ड एज। वहां से जो ट्रैफिक गुजरती है उसको कैसे डिस्क्राइब किया है? स्लो एंड कंसेंट्रेट, क्या वो धीरे जाती है? नो। पॉलिश्ड एंड इंडिफरेंट, क्या वो पॉलिश्ड है? बहुत महंगी गाड़ियां हैं। स्टॉपिंग एंड क्यूरियस, क्या वो रुकते हैं पूछते हैं? क्राउडेड एंड क्योटिक। तो मोस्ट प्रोबेबली आंसर है इसका किस नंबर बी, पॉलिश्ड एंड इंडिफरेंट। तो बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, अमीरों की गाड़ियां हैं, और वो उनका इनडिफरेंट का मतलब वो सिर्फ वहां घूम के वापिस चले जाते हैं। कोई तेल पूछता है फ्रूट की दुकान पर, तेल पूछता है कौन खरीदेगा, तो इनडिफरेंट है वो। अगला, व्हाट डज द पोएट क्रिटिसाइज रिगार्डिंग द प्रोमिसेस मेड बाय पॉलिटिशियंस। पोएट क्या कहता है कि पॉलिटिशियंस वहां इलेक्शन के टाइम बड़े बड़े वादे करते हैं, हम आपकी दुकान खोल देंगे, आपको वही मंडी उपलब्ध करा देंगे, सारी सुविधाएं दे देंगे, इलेक्शन के बाद सब नील। दे आर फुलफिल प्रॉम्प्टली, दे ब्रिंग प्रोस्पेरिटी टू द विलेजर्स, दे आर डिस्क्रिप्टिव deceptive and unfulfilled. So this is the answer. C will be the answer. The term polished traffic. Polished traffic किसके बारे में कहा गया है? Well maintained road है, wealthy city dwellers है, slow moving vehicles है, traffic police officers है, wealthy city dwellers के बारे में, city dwellers जो शहर के रहने वाले अमीर हैं उन्हीं की गाड़ियों को होता है। What are the stand owners expected to receive according to the news? अखबारों के अनुसार कि स्टैंड ओनर्स को ये बड़ी बड़ी चीजें दे देंगे, अखबारों में बड़े बड़े होर्डिंग निकाल दिए कि आपकी जो ना शॉप्स खोल देंगे नियर द थिएटर एंड स्टोर, थिएटर जहां लोग आते हैं, स्टोर जहां बड़ी बड़ी दुकानें होती हैं, वहां आपकी वो दुकान दे दी जाएगी ऐसी अखबार में। इंस्टेंस ऑफ 5, व्हाट डज द पोएट फील हिमसेल्फ अनेबल टू बियर। पोएट कहता है कि मेरी चले तो एक स्ट्रोक में, वन शॉट, जैसे आपका टाइटल भी है ए रोड साइड स्टैंड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एंड आंसर इन वन शॉट। वन शॉट का मतलब है एक ही झटके में, जैसे हम एक ही झटके में आपको MCQs करा रहे हैं, ऐसे ही पोएट की इच्छा है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट की इच्छा है, अगर उसकी चले तो एक झटके में इन छोटे छोटे किसानों की समस्या का समाधान कर देंगे। हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कराने के टाइम आपको पूरी सारी बातें, पूरी पोएम ही रिवाइज करा देते हैं। एंड दिस इज द टेक्निक ऑफ प्रिंसिपल सर, दिस इज द टेक्निक एंड कैलिबर ऑफ योर प्रिंसिपल सर। सो सब्सक्राइब द चैनल, इट्स नेसेसरी बेटा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए टू एनकरेज मी, और इफ यू आर फील दैट थिंग्स आर गोइंग वेल, अच्छी लग रही हैं, समझ में आ रही हैं, तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जरूर जरूर सब्सक्राइब कीजिए। द थॉट ऑफ द स्टैंड ओनर सफरिंग, व्हाट आर द सिटी पीपल रेफर्ड एज सेल्फिश कार, ये वर्ड है वहां से, पोएम से लिया गया है। दे नेवर स्टॉप, वो कभी रुकते नहीं, ए इज द आंसर। व्हाट इज द रिक्विजिट लिफ्ट ऑफ द स्पिरिट, इसका मतलब क्या है? डिस्कस्ड इन द पोएम, ये आप जो ना ये ऐसे फ्रेजिज है ना, ये रिक्विजिट लिफ्ट ऑफ द स्पिरिट, जब आप पोएम स्टैंजा डिटेल में पढ़ते हैं तो इन बातों को अंडरलाइन कर ले, नोट कर ले। तो ये क्या है? इमोशनल प्रोस्पेरिटी, इमोशनल रिलीफ, पोलिटिकल एम्पावरमेंट, सोशल रिकॉग्निशन, तो दी चार उत्तर हैं, तो आंसर विल बी बी, इमोशनल रिलीफ। द पोएट कंटेम्पलेट्स पुटिंग द स्टैंड ओनर जेंटली आउट ऑफ देयर पेन, व्हाट डज दिस सजेस्ट, कि मैं उनका दर्द दुख दिक्कतें एक बार में ही खत्म कर दूंगा, तो दैट विल बी ए परमानेंट सॉल्यूशन। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, परमानेंट सॉल्यूशन, ठीक है, ये इसका उत्तर हो जाएगा। व्हाट डज द पोएट एक्नॉलेज अबाउट द रिलीफ मेंशन इन स्टेंजा 6,
रस रंजन, इट विड बी इम्प्रैक्टिकल. इम्प्रैक्टिकल है, वो सोच रहा है ऐसा. व्हाट डज द टर्म चाइल्डिश लॉन्गिंग, दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट. चाइल्डिश लॉन्गिंग क्या है, जैसे बच्चे की इच्छा होती है ना, मेरे को जहाज मिल जाए, मेरे को बड़ी गाड़ी मिल जाए, उसी प्रकार उन किसानों की, उनको पता है कि कुछ नहीं होने वाला, लेकिन इच्छा तो इच्छा है. तो उस इच्छा को रॉबर्ट क्रॉस ने चाइल्डिश लॉन्गिंग कहा है. ये प्रैक्टिकल नहीं है, इच्छा है, अनरियलिस्टिक होप. इसका मतलब क्या है, ऐसी होप जो रियलिस्टिक नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं है, संभव नहीं है. तो ये इसका उत्तर हो जाएगा बी. व्हाट इज द पोएट एटीट्यूड टुवर्ड्स पुलिस ट्रैफिक पासिंग बाय स्टैंड. पोएट का क्या एटीट्यूड है वहां से जाने वाली गाड़ियों का, एडमिरेशन, इनडिफरेंस, सिंपैथी, हॉस्टिलिटी. इनडिफरेंट है वो सारे. इनडिफरेंट क्या होता है, आप किसी की नहीं सुनते, आप उसकी तरफ नहीं देखते, आप उसकी समस्याओं को नहीं सुनते, दैट इज कॉल्ड इनडिफरेंट. इसका मतलब क्या हुआ, ये इनडिफरेंस इज द करेक्ट आंसर. व्हाई डज द स्टैंड ओनर प्रे नियर द ओपन विंडो. छोटी छोटी विंडो है उनके, क्या प्रे करता है कि आज कोई ना कोई, टू सीक डिवाइन इंटरवेंशन, कि भगवान करे कोई आ जाए. तो बी इज द राइट आंसर. अकॉर्डिंग टू स्टेंजा 3, व्हाट डज द स्टैंड ओनर वांट टू फील इन हिज हैंड. इन हिज हैंड, इन हिज हैंड मीन लिटिल मनी, थोड़ा पैसा वो चाहता है. सिटी मनी वो चाहता है, शहर वाले लोग अमीर हैं, थोड़ा हाथ पैसा उनको देना है, थोड़ा सामान उनका खरीद. भीख नहीं मांग रहे हैं, दे आर सेलिंग देयर प्रोडक्ट्स, व्हाटएवर दे आर ग्रोइंग इन देयर फील्ड्स, दे आर जस्ट सेलिंग एंड दे जस्ट वांट लिटिल मनी फ्रॉम द पीपल ऑफ सिटी हु आर रिच एंड हु ड्राइव इन लग्जरी कार्स. थोड़ा पैसा दे जाए और सामान ले जाए, फ्री नहीं भाई, ठीक है. अगला, व्हाट इज द पर्पज ऑफ रिलोकेटिंग द स्टैंड ओनर्स टू द विलेजेस. क्या पर्पज है, टू फुलफिल पॉलिटिकल प्रोमिसेस, कि गांव में दुकानें खोल देंगे, मॉल खोल देंगे, वहां आपको दुकान दे देंगे. तो इसका उत्तर बी हो जाएगा. व्हाट डू द सिटी पीपल ऑफर फॉर सेल, क्या बेच रहा है वो, ये दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट. वाइल्ड बेरीज एंड गोल्डन स्क्वैश, ये दो चीज बेच रहा है, इसका ध्यान रखें, ये क्वेश्चन में भी आ जाएगी. व्हाट इज द रिफ्लेक्शन इन स्टैंजा 6, the relief for the stand owners, it is impossible to attain. कोई relief नहीं मिलने वाला. देखो multiple choice का क्या होता है, कि multiple choice questions को आप उन stanzas को, उन sentences को, उन words को याद कर लीजिए. Question तैयार, बड़ा question भी तैयार और short question भी तैयार. अगला देखो, what is the emotion conveyed by that sadness that lurks near the open window. उनकी छोटी छोटी खिड़कियां हैं, हमेशा एक सैडनेस, उदासी का माहौल रहता है. क्यों, कोई भी कुछ खरीदता ही नहीं है. तो इस प्रकार जो ना आप इसको कर सकते हैं. अगला, डिस्पेयर, वहां हमेशा डिस्पेयर रहती है. अकॉर्डिंग टू द पोएम, व्हाट डज द लैंडस्केप बिकेम ड्यू टू ट्रैफिक. ट्रैफिक के कारण लैंडस्केप कैसी होगी, वहां घास लगी हुई थी, वो फट गई, मार्ड हो गई. जैसे गाड़ी आई, ऐसे मोड़ दिए तो नीचे से घास सारी उड़ गई, और तो वो जो ना घास मार्ड होगी, जैसे अच्छी लग रही थी वो खराब लगने लगी. What does the stand owner wait near the open window in stanza 5? In almost open prayer for customers. आज जोड़कर बैठे रहते हैं, गाड़ी आजा भैया, आजा भैया, ऐसे ये आएगी, ये गाड़ी आएगी, ये रुकेगी, थोड़ा सामान खरीदेंगे, वाइल्ड बेरीज खरीदेंगे, थोड़ी इनकम होगी और हमारा गुजारा चलेगा. ऐसी किसानों की पैथेटिक जो ना वह सिचुएशन दिखाई गई है, डिसेप्टिव. वो सब डिसेप्टिव है, वो प्रेयर तो कर रहा है लेकिन वो सब डिसेप्टिव है. कोई कुछ मांगता है, कोई कुछ पूछता है. हाउ डज द स्पीकर डिस्क्राइब लैंडस्केप. लैंडस्केप दूसरा स्टेंज में कैसे डिस्क्राइब करता है, फ्लोरिशिंग एंड वाइब्रेंट. ये आंसर हो जाएगा बी. व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द टर्म, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. पैथेटिकल प्लेट, जिसका क्या मतलब है, सैडली रिक्वेस्ट कर रहे हैं उदासी में. अकॉर्डिंग टू द पॉइंट, व्हाट द सिटी पीपल इंक्वायर अबाउट, क्या इंक्वायर करते हैं, द प्राइसेस ऑफ गुड्स. कुछ तो आगे पैसा पूछते हैं, कि के बाद दी भाई, क्या रुपये किलो दी भाई. कुछ आगे पूछते भाई, गैलन है, तेल की गैलन है. कुछ आगे पूछते भाई, ये रास्ता किधर जाएगा, ये रास्ता दिल्ली जाएगा भाई, ये रास्ता गुड़गांव जाएगा. तो ऐसे पूछ के चले जाते हैं. अगला है, हाउ डज द स्टैंड ओनर फील अबाउट ट्रैफिक पासिंग बाय. इग्नोर्ड, क्या सोचता है कि वो उसको इग्नोर करते हैं. अगला देखो, व्हाट डज द टर्म रिक्विजिट लिफ्ट ऑफ द स्पिरिट. छह स्टेंजम, इसका मतलब क्या है, इमोशनल रिलीफ.
इस प्रकार आपने देखा 30 क्वेश्चंस एमसीक्यूज हमने डिस्कस किए। एमसीक्यूज आप जरूर कीजिए, ये आपके माइंड पर बर्डन नहीं डालते, और खासकर स्टेट बोर्ड के जितने भी हैं एग्जाम, गारंटी के साथ मैं कहता हूं हर जगह आपको इनसे बाहर एमसीक्यूज नहीं आएंगे। सो इससे आपका थीम डेवलपमेंट प्रिपेयर होती है और आप पोएम का आइडिया होता है। जब भी आप रीडिंग कंप्रिहेंशन करेंगे तो सारे क्वेश्चन ये एमसीक्यूज के रूप में आएंगे। इन में आप थोड़ा स्टेंजल डाल दो, एमसीक्यूज हो गए। सो इजी, सो इट वाज अ स्मॉल वीडियो एंड यू कैन से दिस इज गोइंग टू बी द मेन पॉइंट्स ऑफ लर्निंग द थिंग्स, लर्निंग ए पोएम। सो एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आंसर्स आर द मेन सोर्स और द गाइडिंग लाइंस टू मेक यू अंडरस्टैंड द ओवरऑल थीम ऑफ द पोएम। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे टॉपिक, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस इन वन शॉट। ये कर ले सब पास, ये प्रिंसिपल सर का वायदा है, गारंटी है, सब पास गारंटी। कमजोर बच्चों को तो सबसे ज्यादा बेनिफिट देगा, इंटेलिजेंट बच्चों को मार्क्स इंक्रीज हो जाएंगे, लेवल जो मीडियोकर हैं वो अच्छी लेवल पे पहुंच जाएंगे। सो सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल बटन सो दैट यू गेट नोटिफिकेशन इन टाइम, एंड वट एवर प्रॉब्लम यू फेस राइट डाउन इन द कॉमेंट बॉक्स, डोंट फॉरगेट and ask me any question. So you are welcome to ask any question in comment box. So what I want in the last and what is the tip of the day? Concentrate on multiple choice questions and continue to be hard working and my lovely good students. Bye bye. See you tomorrow.